मेरा बहुत मन ललचा रहा है इस खाने को खाने का। ये 1 2 3 प्रेस। काजू देख रहा हूँ, काजू है ना, कुछ और प्रैंक तो नहीं हो रहा है। वेजिटेरियन के घर में एग कटर का यूज। परसों पुरानी सब्जी बना रहा हूँ। एक तरीके ना दूसरे तरीके से मेरे को मटर जरूर खिला दो। क्या ढूंढ रहे हो? ट्रे ढूंढ रहा था, ऊपर पड़ी नहीं। क्या बना रहे हो आज? ग्रीन आटिया बना रहे हो? ग्रीन आटिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। आज आपने करना है कुकिंग शो ऑफ। इसमें ये मम्मा पाई ना जो कप खराब हो गया और उसका भी रील, उसमें अखरोट बादाम भी हो दिया। कुकिंग शो ऑफ मैंने। हाँ क्या शो है कुकिंग शो? मतलब वो नहीं, मतलब आपने बोला ना कि आप बनाओगे वो रेसिपी, कौन सी थे वो? अच्छा, मलाई नहीं, मलाई नहीं, शाही मटर, उसको शाही बोल लो। शाही मटर, मटर मावा मशरूम। मटर मावा मशरूम हो जाए आज? आज से लगभग 1900 तेरे पैदा होने से पहले की है। बना ले पापा आज, हो जाए भाई शूट, आज बना दूंगा। चलो हाँ, कल तो तेरा बिजी है संडे, आज आज बना दो। आज फूड सैटरडे कर देता हूँ। चाइनीज और देसी, इंडो चाइनीज है ये। इसमें से आपका फेवरेट क्या है? मैं पनीर मंगवा लिया था अपना, भरवा आलू। भरवा आलू, अच्छा वो प्लेटर होगा ना, मिक्स प्लेटर मंगवाया होगा। मंचूरियन नूडल्स इसके साथ में क्या? अच्छा कॉफी, कॉफी बन रही है, कॉफी। मैंने पूरी कोशिश करी है पिकू, एक ही चम्मच चीनी डालने के लिए। अब एज पर सेटिस्फेक्शन बनी है कि नहीं बनी भाभी? ठीक बनी है। तो पीने वाले बताएगा भाई। यार भाभी मैं अब उस दुनिया में आ गया हूँ जब मैं वो ओवरफ्लोइंग ओट्स खाता हूँ सुबह सुबह। आज मैंने ही खाए पिकू ओट्स। ओट्स, हल्दी वाले ओट्स, बड़े पाजी के ओट्स। सबको रबिंग कर दे। नहीं ठीक है, पैकेज थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, वैसे भी ना वो कोल्ड ड्रिंक हमने अपने लिए मंगवाई। हाँ शायद तो बस बहाना था, मुझे पता था उसने कोल्ड कॉफी पीनी है। अब वो तो दीदी के हाथ की कोल्ड कॉफी पिएगा। मैंने ठीक बनाया ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके बढ़िया से। अब ठीक बनी है, अब सीख रही हूँ मैं, है ना। टू सैटिस्फैक्शन, टू सैटिस्फैक्शन। इसीलिए मैंने एक ही ग्लास बनाई है, अपनी बनाई ही नहीं। ये खाना खाने के लिए इलफ प्यार है। प्यार करना, ये देख सामने खाना पड़ा है उससे प्यार कर, किताबों से प्यार कर। वो नहीं है तो चलो ना, आजकल के बच्चे किताबों से नहीं करते, तो खाने से प्यार करो। नहीं तो वो कौन, वो करवा चौथ में बता रहा था ना, कुछ टैटू वैटू बनाया हुआ था, अपना नाम ही लिखा था। फ्लावर्स सब निकल चुके हैं, लोगों ने घोषित कर दिया कि मौसम बदल चुका है, मौसम का रुख बदल चुका है। कितने सुंदर लग रहे हैं पेटूनिया भाई। भाभी पाजी को छोड़ने जा रहे हैं। मौसम का रुख बदल रहा है पापा। मौसम तो बेटा वो है ना, मौसम का रुख बदल चुका है, यही तो सीजन है। मुझे एक सारे सामने पेड़ जो थे इधर से नहीं, वो मेरे बेड से ज्यादा अच्छे नजर आते हैं वो कमरे से, सारे वो हो गए थे एकदम ड्राई। अब उसमें वो आ गए पोंकले, आ गए पोंकले, पोंकले कोकले। नहीं पोंकले मीन्स वो जो बड्स, नहीं सीड्स, बड्स होती है जो उसकी होती है फ्लावर की, जो पत्ते की होती है ना फ्रेश, वो पोंकले या बेबी बेबी दैट थिंग। मेरा बहुत मन ललचा रहा है इस खाने को खाने का, बहुत डबल ज़्यादा मन ललचा रहा है। पर फिर मैंने सोचा यार शॉर्ट्स वगैरह भी आज के दिन में बहुत बनानी है, लालच हो रही है मुझे इस खाने को खाने की। क्या? पर शॉर्ट्स भी बनानी है। एक चीज़ है यार, शॉर्ट्स ही है ये, तो तभी तो मैं नहीं खा रहा इसको ना। हाँ बस, और तो समोसे भी ब्रेड के साथ, पापा सोचो गरम गरम चाय हो अदरक वाली ब्रेड में डाल के समोसे। मटर मशरूम बोल रहे क्या, जॉब छोड़ दूं फिर कल बना दूंगा यार फूडी संडे में।
नहीं पापा ऐसे नहीं, शॉर्ट्स भी बनानी है। नहीं शॉर्ट्स बनाना जरूरी है, शॉर्ट्स का खाना खाएंगे फिर। आज तो फुल पार्टी मूड में है, समोसों के साथ ना। दिल्ली में लोगों को ब्रेड खाना बड़ा पसंद है। ये जब फर्स्ट टाइम मैं मुंबई गया था ना, तब मैंने एक्चुअल में देखा था कि समोसे के साथ पाव भी खाते। मेरे लिए वो काफ़ी नई चीज़ थी, वो तो बहुत सालों पुरानी बात है चलो, पर अब बहुत टाइम बाद, बहुत महीनों बाद घर में वो वापस सिचुएशन आई है कि समोसे और ब्रेड को हम लोगों ने एक साथ मिला दिया है। ये ब्रेड थोड़ी सेक के खाई थी, मतलब ये ब्रेड मम्मा वाली थोड़ी सेकी हुई है, पापा वाली बिना सेकी हुई है, और इसका मैंने एक खुराफाती शॉर्ट्स का आइडिया सोच लिया। सो नाउ आई कैन ईट दिस। You have to make relatable content, ना? तो मैं बिल्कुल relatable content सोचा मैंने। Great, I am also happy, everybody is happy, somebody is happy, everybody is happy. और दूं कि नहीं? ये आपकी वाली ब्रेड सेकी नहीं है, मम्मा वाली सेक दी है। नहीं, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है ये। मैं पिचकाओ इसको, ऐसे पिचकाऊंगा और अपने कॉलेज के दिन याद करूंगा। ब्राउन ब्रेड है, व्हाइट ब्रेड थी नहीं घर में। मम्मा ये चटनी है सौंठ वाली। मेरे को ये 1 2 3 प्रेस ऐसे पिचकाऊंगा और इसके साथ खाऊंगा और कॉलेज के दिन याद करूंगा। कॉलेज में ऐसे ही दो ब्रेड ली, समोसा लिया बीच में और वो खाया। चलो 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 यार, ऐसे ही करते हैं सब बच्चे। समोसा ये क्या खाना है? मेरा तो पनीर पकौड़ा है। पनीर पकौड़ा है? ओहो आहा। ओ, सासू माँ ने हमारे लिए भेजे समोसे और जवाई जी के लिए भेजे पनीर। पनीर पकौड़े पसंद है? पनीर पकौड़े लो जी। वो भी समोसा खा सकता है, कोई मना ही नहीं है। लाओ जी लाओ। ठीक है अब आपका शेर है? कोई नहीं, घर में क्या बोलते हैं, खाना बहुत सारा है, हम लोग आराम से खाना मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। चलो कोई नहीं, हम खा रहे हैं, हमारी संदन जी ने भेजा है टेस्टी टेस्टी समोसे, हम वो एंजॉय करेंगे। चाय में शक्कर ही नहीं डाली अपनी, वो शक्कर डाल लेना चाय में। हाँ जी, क्या चल रहा है किचन में? बनाने से पहले पापा काजू देख रहे हो? काजू है ना, कुछ और प्रैंक तो नहीं हो रहा है मेरे साथ? काजू की शेप में आपको वो मिलेगा ना, वाटरमेलन। ये क्या बन रहा है? कटहल। मम्मा कटहल फ्राई करके रख रही है। मम्मा क्योंकि तूने आज बोल दिया कि आज ही बनाना है, मटर मिल दो। मम्मा कह रही है कटहल खराब हो जाएगा। बाकी सारी बातें छोड़ो, कटहल की मैं आपको खिलाता हूँ बिरयानी। ओहो, कटहल को जैक फ्रूट कहते हैं ना? यस, जैक फ्रूट बिरयानी इतनी टेस्टी बनती है ना, इतनी स्वाद। खा चुके जब आप कर रहे थे ना? नहीं, मैंने तो किसी अच्छे होटल में खाई थी, बड़ी स्वाद खाई थी। हाँ, तब भी तब शायद पता नहीं खाई, पता नहीं कैसी थी, बट कटहल बिरयानी बहुत स्वाद बनती है। देसी घी में बनाओ, ओए होए मजा आ जाएगा। बना दूं मम्मा? हाँ हाँ, आज तो पापा बनाएंगे ना अपने शेफ स्पेशल आफ्टर सम डेकेड्स। हाँ, मोर देन 15 साल तो हो गए। डेढ़ डेकेड बाद। पापा, डू यू नीड एनी असिस्टेंस, इंटर्नशिप? यस, आगे जरा चॉपिंग वॉपिंग करो। ये देख पापा, ये देख, तोड़ दिया उसको। वेजिटेरियन के घर में एग कटर का यूज। ये देख, बोला फ्री आया था साथ में जब मशरूम करेंगे तो। वो एक थोड़ा ज्यादा बड़ी थी ना, वो ज्यादा बड़ी थी। कितना स्मूथ हो गया काम। ये तो मैं नया अच्छी क्वालिटी का मंगा लूंगा मशरूम काटने के लिए। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं इसका। वैसे पता क्या करना चाहिए? ना चाहिए प्रभाव में, इसको ऐसे ये करना चाहिए। और नाउ देन इट विल बी ऑल राइट। टुकड़े निकल गए। हां, सारे निकल गए बेटा, सारे मैं देख लूंगा। ये देख, ये रखा फटाफट। पहले हम लोग छोटी मशीन से काट रहे थे, प्याज बहुत सारे थे, अब हम लोग बड़ी मशीन पे आ गए। क्या हो गया? हम ये पापा चक्कू में कैसे आ गए? फ्री का माल इतना ही होता ना, चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ब्लिंकिट सा? पहले ना ब्लिंकिट की पैकेजिंग आती थी एकदम वो वाली प्लास्टिक वाली, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। अब ये ना इन्होंने भी वो वाली पैकेजिंग कर दी है, थोड़ी इको फ्रेंडली पैकेजिंग। मटर आ गए हैं आपके, गोदरेज और सफल के मटर में क्या फर्क है? पता नहीं भाई, गोदरेज सफल से हाफ रेट है। ओ, ऐसे ब्लिंकिट के ऐप पे तो था, पता नहीं स्विगी पे क्या पता सफल हाफ रेट। हाँ जी, इंटर्नशिप में और कुछ चाहिए आपको? नहीं सर, बस रिवाइज कर रहे हैं। मशरूम अच्छे खासे, बड़े बड़े मशरूम के, बहुत अच्छी क्वालिटी के, एकदम बेस्ट क्वालिटी। यस, बेसिकली ना सब्जी तो बन रही है इसकी, लेकिन इसके स्टफ मशरूम, ये बेसिकली है क्योंकि छोटे मशरूम होता है ना उसमें स्टफिंग होनी पाती, उनकी सब्जी बन जाती है।
इनके वही यहाँ स्टफ मशरूम या फिर वो मैं बनाता हूँ ना गार्लिक मशरूम जो जिसमें मशरूम ही डलती है उसमें भी अच्छी लगी। मतलब इसमें हो कि मशरूम हाईलाइट हो दिखे। मटर तो ये पके हुए होते ना, ये तो एकदम एंड में डालने हैं, लास्ट में डालने हैं। तो मैं अभी फ्रीजर में रख देता हूँ, जब चाहिए तो बता दूंगा। आज खाने के बाद फिर पापा हो जाए क्या, खाने के बाद हो जाए ठाकुर। ये वही है जो कल बात कर रहा था तुम। ओ तब की लाया हुआ ब्लॉग में, मैंने को पता लगा कि अभी तक घर में ही पड़ी हुई है। खाई नहीं किसी ने, सर्दियां थी ना, पर इनकी तो लाइफ ही होती है, पड़ी रहती है, थोड़ी थोड़ी करके खाते रहते हैं। इतना ब्रेक तो मैं आपको करता हूं। ग्रेवी का ही काम होता है देखो, एकदम क्या मजेदार ग्रेवी होगी, तेल छोड़ दिया एकदम परफेक्ट ग्रेवी है। मशरूम डालेंगे, काजू की पेस्ट डालेगा, बस अब तो असेंबली होनी है। ये गया काजू का पेस्ट, मटर मावा मशरूम, काजू भी डाल दिया। ये कई सारे मशरूम। पापा पाजी इन द हाउस, नहीं पापा पाजी इन द किचन, हाउस नहीं इन द किचन बोलते रहे थे। पापा पाजी इन द किचन कुकिंग मशरूम की सब्जी। ओ हो क्या याद रखोगे, लो जी बरसों पुरानी सब्जी बना रहा हूँ आज, बड़े साल हो गए मोर देन 10 years पे, कुक मोर देन 10 क्या 15 साल ही हो गए होंगे। पापा मजा आ जाएगा इसको खा के, बड़े भाई हमारी लेग पुलिंग करने आए हैं। मसाला भुनने में लगता है 50%, अब असेंबली शुरू हो गई है। ये मशरूम डाली ना 10-15 मिनट लगे, मशरूम अपना पानी छोड़ेंगे। टमाटर डाल दिए, टमाटो प्यूरी डाल दिया, सब डाल चुका है, काजू का पेस्ट भी डाल चुका है, काजू का पेस्ट भी डाल दिया। अच्छा, काजू के पेस्ट की वजह से टमाटर का कलर नहीं आ रहा। नहीं टमाटर मामा ज्यादा नहीं मामा, इतना बढ़िया देखो रोगन आ रहा है, क्या बढ़िया टमाटर, टमाटर से कलर नहीं आता, भूनने से कलर आएगा जी। ये मेरा स्टाइल है जी, आओगे मजा आएगा। चलो 10 मिनट बाद आना, खाना मिलेगा। अच्छा ये पापा ने तो बना लिया, अब तेरा और भाभी पाजी का वो वाला डिब्बू है। हाँ बटन कैप्स वाला ना, लेकिन इसमें जब बनेगी ना सबसे पहली कटोरी नम्रता के लिए निकाल के रखी जाएगी। वो अपनी मम्मी के घर गई है। एक तरीके ना दूसरे तरीके से मेरे को मटर जरूर खिला दो आप, ठीक है ना। ठीक है, इसमें लास्ट में तेरे को मटर भी तो खिलाने हैं ना। हाँ जी फाइनली रेडी हो गई, लो जी आके मटर मशरूम मावा तैयार है। आ रही है होटल वाली लुक के, नहीं बंद कर दो आप, बस लास्ट में मावा डाला, उसके बाद 2 मिनट चलाना ताकि मिक्स हो जाए। और टेस्ट आपकी टेस्ट क्या करनी, बनाई आपने बढ़िया बनाई होगी। कभी कभार यार इतने दिन बाद बनाई है, कभी नमक ऊपर नीचे हो जाए तो मम्मा मेरी क्लास लगा दे। लो करो टेस्ट, मटर लेना, मशरूम मत लेना। हाँ मशरूम तेरे लिए छोड़ दूँ, मटर से भी टेस्टिंग हो जाती है। मसाले का देखना बाकी तो क्या है। सच्ची में बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड, आगे देख पता लगेगा। अब मैं रोटी के साथ खाऊंगा ना, वैसे इसको उसके साथ ढक दे, मटर थोड़े और कर देंगे भाप के साथ, जब तक रोटी बनेगी ना तब तक। हाँ उसको ढक्कन के साथ ढक दे, मैंने बिल्कुल ही नहीं चला, मटर धोते हुए ना बहुत सॉफ्ट थे। खाना मिल गया मेरे को, अपनी बनाई हुई सब्जी खुद ही खाई जा रहे हैं भाई। छोड़ मैं सब्जी बनाऊंगा तो खाऊंगा नहीं क्या, कमाल है ये, कहाँ का रूल है। अब मम्मा ने रोटी बना के दी है सब्जी के साथ, मैंने कहा थोड़ी सी देना ज्यादा नहीं, रोटी के साथ खा के देखो आपको मजा आएगा। खाओ खाओ खाओ, एंजॉय करो, भोग लगाओ। ठीक है, एक बार बोलने का फिर दूसरी बार खाने का। वाह वाह वाह, ये देखना यार कितना अच्छा, वाह वाह बिल्कुल होटल स्टाइल में, क्या बात है यार भाई, एकदम कमाल की मटर मशरूम की सब्जी बनी है। और इसी से हम लोग आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, फैमिली गाय पे फिर से आ गए। पीछे देख रहा था बेटर कॉल सॉल, अभी कुछ हफ्ते 10 दिन पहले ख़त्म हुआ है। नाउ आई एम इन द डार्क, और जब भी मैं इन द डार्क होता हूँ कोई नई सीरीज शुरू करने से पहले या कोई एग्जिस्टिंग सीरीज ख़त्म करने के बाद, माई कम्फर्ट वेब सीरीज इज फैमिली गाय, सो दैट्स व्हाट आई एम वॉचिंग दीज डेज। बाय बाय, कल के ब्लॉग में मिलेंगे फूडी संडे में।